सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे सूबों के मुख्यमंत्रियों नाल कोरोना वायरस की ताज़ा स्थिति नूं लैके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए बैठक की है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नूं कहा कि कोरोना के केस वध रहे हैं, उस तो स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अजे पूरी तरह टली नहीं है, लिहाजा देशवासियों नूं चौकस रहने की लोड़ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रोन और उस तो बाद सब वेरियंट गंभीर हालत पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में असीं वेख सकते हैं। उन्हें कहा कि कुछ सूबों में कोरोना के केस वधे ने, सानू अलर्ट उत्ते रहने की लोड़ है, चौथी लहर का खतरा, इसलिए मास्क अजे भी जरूरी है जो कि जरूरी कवच है, कोरोना तो बचा लई वैक्सीन भी जरूर लगवाओ। उन्होंने कहा कि बच्चों नूं कोरोना तो बचाने लई स्कूलों विच वैक्सीन मुहिम चलाई जाए। कोविड 19 की नवी लहर के वध रहे खतरे के मद्देनजर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कोविड महामारी के वधदे मामलों नाल निजिठण लई सूबा पूरी तरह तैयार है। कोविड 19 के केसों में वाधे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करते हुए भगवंत मान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पंजाब ने कोविड महामारी की नवी लहर नाल निजिठण लई कारगर प्रणाली विकसित की है। उन्हें कहा कि पंजाब कोल पहला ही कोविड मामलों के वाधे नाल निजिठण लई लोड़ींदे सारे साधन उपलब्ध ने अते पंजाब विच स्थिति काबू हेठ है, लोगों दी कीमती जानां दी राखी लई हर संभव कदम चुके जाणगे। मुख्यमंत्री ने इस दे नाल ही कहा कि कौमी पद्धर उत्ते 87% दे मुकाबले सूबे की 97% की आबादी नूं कोविड टीकाकरण की पहली खुराक अते 76% लोगों नूं दूजी खुराक दी जा चुकी है अते महामारी का सामना करने लई 5.11 लाख लोगों नूं बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। उन्हें यह भी कहा कि कोविड दे रोजाना सूबे विच 25 केस औसतन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है। महाराष्ट्र में विरोधी धिर भाजपा उत्ते निशाना बिंदे हुए राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी के मुखी शरद पवार ने कहा कि सत्ता गवाउण तो बाद कुछ लोग चिंतित हो गए हैं। पवार ने एक प्रोग्राम तो वक्त पत्रकारों नाल गलबात करदे कहा कि चंगी गल है कि सूबा सरकार के धार्मिक स्थानों उत्ते लाउड स्पीकर के मुद्दे उत्ते सर्व पार्टी बैठक बुलाने का फैसला किया है अते जेकर बैठक तो कुछ चंगा निकलता तो वह बहुत खुश होणगे। विरोधी नेतावां दे इस बारे पूछे जाण उत्ते कि महाराष्ट्र विच मौजूदा स्थिति विच राष्ट्रपति राज दी लोड़ है, पवार ने कहा कि सच है कि सत्ता तो बाहर होण तो बाद कुछ लोग चिंतित हो रहे हैं। सूबे दे साबका मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई नवी गल नहीं है। पंजाब दे मुख्यमंत्री राजपाल अते होर उच्च अधिकारियों अते रेलवे स्टेशनों नूं बंब नाल उड़ाउण दी धमकी भरिया इक खत मिलिया जिस नूं सुल्तानपुर लोधी दे रेलवे स्टेशन उत्ते कोई अज्ञात व्यक्ति लैटर बॉक्स विच पा के रख गया सी। अते रेलवे स्टेशन मास्टर नूं चिट्ठी मिली है, जैश ए मुहम्मद वालों धमकी दी गई है। चिट्ठी मिलने तो बाद प्रशासन चौकस हो गया, सख्ती वधा दी है। पंजाब कैबिनेट की अगली बैठक 2 मई नूं होवेगी। यह बैठक सोमवार शाम 4 बजे सकत्तरेत विच होवेगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक की अगवाई करनगे ते इस विच कई अहम फैसले लैण दी उम्मीद है। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि दिल्ली कौमांतरी हवाई अड्डे तक पंजाब सरकार की बस सेवा छेती ही मुड़ शुरू की जाएगी। उन्हें दस्सिया कि इस संबंधी दोवें सरकारां दे मुख्यमंत्रियों दरम्यान गलबात उपरांत ट्रांसपोर्ट विभागों के सकत्तर पद्धर की मीटिंग दौरान इस मसले को गंभीरता नाल विचारिया गया। भुल्लर ने कहा कि पिछले दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल मीटिंग दौरान उन्होंने काफ़ी देर तो लमक रहे इस मुद्दे बारे जाणू करवाया सी, जिस नाल ट्रांसपोर्ट विभाग की आमदन में जिथे सीधे तौर उत्ते वाधा होने बारे मुख्यमंत्री नूं दस्सिया गया, उत्थे ही सरकारी बसा ना चलन कारण प्राइवेट बस ऑपरेटरों वालों सूबे के मुसाफरों की की जा रही लुट संबंधी मामला भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लिया गया। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने अगे दस्सिया कि दिल्ली हवाई अड्डे तक पंजाब सरकार दीआं बसां वख-वख शहरों तो शुरू होण नाल यात्रियों नूं किफायती दरां उत्ते सफर मुहैया करवाया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी वालों आबकारी नीति लियाउण लई बैठकां दा दौर शुरू कर दिता गया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा लुधियाणा पहुंचे जिथे उन्होंने आबकारी विभाग के अफसरों अते शराब के कारोबारी नाल बैठक की, जिस दौरान हरपाल चीमा ने बैठक तो बाद कहा कि असीं फिलहाल सुझाव लै रहे हैं, अफसरां शराब कारोबारी नाल बैठक कर रहे हैं। उत्थे ही दूजे पासे आबकारी विभाग के सहायक डायरैक्टर ने कहा कि अज आबकारी नीति नूं लैके बैठक हुई है ते इस संबंधी जल्द ही ड्राफ्ट लिया जा रहा है, जिस तों बाद नवीं पॉलिसी बनाई जाएगी। पंजाब विच सरकार बदलण तों बाद पुराने विधायक अते मंत्री सरकारी फ्लैट अते गड्डियां छड्डण लई तैयार नहीं, हुण पंजाब सरकार दे ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस बारे वड्डा एक्शन लिया। सरकार वल्लों साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया नूं फ्लैट खाली करन लई कहा गया। इस दे नाल ही कांग्रेस सरकार विच डिप्टी सीएम रहे विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं इनोवा कार वापस करन लई कहा गया।
इस दे नाल ही साबका मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते प्रगट सिंह नूं भी कार वापसी करन दे नोटिस दित्ते जाण दा दावा कीता जा रहा है। पंजाब दा किसान कर्जे हेठ आ के लगातार खुदकुशियां कर रहा है ते करीब एक महीने विच 20 तों ज्यादा किसानां ने खुदकुशियां कीतियां ने। इस दे तहत नाभा ब्लॉक दे पिंड तुंगा विखे हरदीप सिंह नाम दे किसान वल्लों सल्फास दीआं गोलियां खा के खुदकुशी कर ली गई। मृतक किसान दे अंतिम संस्कार मौके पहुंचे कांग्रेस पार्टी दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अते पंजाब दे साबका कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत वल्लों जिथे परिवार नाल दुख सांझा कीता गया उत्थे अंतिम संस्कार मौके पहुंच के परिवार नूं दिलासा दित्ता गया। इस मौके सिद्धू ने कहा कि जो बाबे नानक दे किते नूं नहीं सवार सकदा ओह किसे दा की सवारेगा। सो अज लई फास्ट न्यूज़ विच इन्ना ही, जांदे जांदे नज़र मारदे हां मौसम दे हाल उत्ते। तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल। धन्नवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।